अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 5 लेसन 3 रॉबिन्सन क्रूसो, इसकी हमने रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन कंप्लीट कर ली थी। उसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी और इसके वर्ड्स मीनिंग्स और एक्सरसाइज ए के तमाम क्वेश्चन आंसर्स हमने सॉल्व कर लिए थे, इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज बी को सॉल्व। और अब आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं बहुत दिल से और ऑनेस्टली आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ ताकि आप इस चैनल से ज़्यादा कुछ सीख पाएँ। इसी आईडी पर मेरा सेकंड चैनल जलतरंग के नाम से है। जो लोग उर्दू पोइट्री, अफसाने और कहानियाँ पढ़ने का ज़ौक और शौक़ रखते हैं वो ज़रूर मेरे न्यू चैनल जलतरंग को भी सब्सक्राइब कर लें। Complete the following in your own words. Each sentence should not be about Robinson Crusoe on the island, but about something quite different. In sentences को आपने अपने words में complete करना है, Robinson Crusoe से related नहीं होने चाहिए। Every day I brought vegetables and fruits, या every day I brought newspaper, आप अपनी पसंद का कोई भी word यहाँ लगा सकते हैं। One day I set out to explore underground caves, या फिर new valley, या आप ये भी लिख सकते हैं वन डे आई सेट आउट टू एक्सप्लोर आवर नेबरहुड। आई कलेक्टेड अ क्वांटिटी ऑफ फूड ऑफ शुगर, इस तरह के आप सेंटेंसेस इनको बनाएं। आई पिक्ड अप द एप्पल्स इन द गार्डन, आई ग्रू अ नंबर ऑफ क्रॉप्स बिकॉज वी नीडेड देम, सडनली आई सॉ द शिप कॉट ऑन फायर। क्वेश्चन नंबर टू है, यूज योर डिक्शनरी टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, इनके मीनिंग्स आपने लिखने हैं। ये जो वर्ड्स हैं ये तकरीबन एक जैसे मीनिंग्स रखते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो आप नोट करें। हरिकेन, समुद्री तूफान, तूफानी आंधी, बादोबारा, ये मैंने उर्दू में आपकी आसानी के लिए लिखा है, लेकिन आपने अपनी कॉपीज में इनके इंग्लिश मीनिंग्स नोट करने हैं। इट इज़ अ सीवियर स्टॉर्म विद हैवी रेन्स एंड वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स। टॉर्नेडो, तूफान, जक्कड़, बगोला, तूफाने, गर्दोबाद। इट इज़ अ रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर डेट पासिस इन अ नैरो पैच ऑफ लैंड। स्टॉकेट, बाड़ या मोर्चा। इट इज़ अ टॉल फेंस और मेड ऑफ वुडन पोस्ट ड्राइवन इन टू द ग्राउंड साइड बाय साइड। फोर्ट, कला। इट इज़ अ बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स विद स्ट्रॉन्ग डिफेंसिस यूजली गार्डेड बाय ट्रूप्स। मास्ट, मस्तूल या स्तून, जो कश्ती या बहरी जहाज में बादबान लगाने के लिए लगाए जाते हैं। इट इज़ अ वर्टिकल स्पार और अ थिक पोल डेट स्पोर्ट्स सेल्स रोप्स और फ्लैग्स ऑन अ शिप। पोल, खम्बा। इट इज़ अ लॉन्ग स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ वुड मेटल और अदर मटेरियल। आइलैंड, इट इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड दैट इज Completely surrounded by water, जजीरा। और आइलेट होता है छोटा जजीरा। It is a small island. Resolved, साबित कदमी, पुरअज़म, मुस्तकिल मिजाज होना। It means to come to a firm decision or cause somebody to come to a decision about something. Solve, हल करना, सुलझाना। It means to find a way of dealing successfully with a problem or difficulty. F है pistol, pistol. It is a small short-barreled gun designed to be held in one hand. Rifle, bandook. It is a gun with a long barrel that is fired the shoulder. SSC adverbs, comparative and superlative. क्वेश्चन नंबर वन है, सी इफ यू कैन कंप्लीट द फॉलोइंग। ये पॉजिटिव डिग्री होती है, यहाँ पे हम कंपैरेटिव और यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे। क्विकली, मोर क्विकली, मोस्ट क्विकली। फॉर्चुनेटली, मोर फॉर्चुनेटली, मोस्ट फॉर्चुनेटली। हेस्टली, मोर हेस्टली, मोस्ट हेस्टली। प्लेजेंटली, मोर प्लेजेंटली, मोस्ट प्लेजेंटली। क्वेश्चन नंबर टू है, नाउ ट्राई दिस। हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, इनको हम इस तरह लिखेंगे, नोट कर लें। हाई, हायर, हाईएस्ट। सी है अर्ली, अर्लियर, अर्लीएस्ट। डी है लेट, लेटर, लेटेस्ट। नेक्स्ट पेज पर हम
इररेगुलर एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी बेकायदा जो एडवर्ब्स होते हैं इन्हें आप अच्छी तरह पढ़ें और समझें। और इस तरह के बहुत सारे एडवर्ब्स होते हैं, उन्हें आप याद कर लें। जैसे ये बैडली है, तो ये बैडलियर या बैडलीस्ट नहीं होगा, ये होगा वर्स, वर्स्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट और लास्ट भी हो सकता है। लिटल, लेस, लीस्ट, मच, मोर, मोस्ट, फार, फादर, फादेस्ट। इसी तरह जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है, बहुत सारे एडवर्ब्स इस तरह लिखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग एडवर्ब्स। इन सेंटेंसेस को आपने एडवर्ब्स को यूज करके कंप्लीट करना है। ही ड्रोव स्पीडली, या फिर आप लिख सकते हैं केयरलेसली, केयरफुली भी लिख सकते हैं। शी मेड अ केक फास्टली या एक्सपर्टली। ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली और इजिली। दे रेगुलरली कम टू सी अस एट द वीकेंड, या फिर आप लिख सकते हैं दे स्पेशली कम टू सी अस एट द वीकेंड। वी यूजली सी देम ड्यूरिंग द वीक, आप लिख सकते हैं वी फ्रीक्वेंटली भी, वी जेंटली भी, स्पेशली भी, सी देम ड्यूरिंग द वीक। तो ये एक्सरसाइजेस आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्पोजिशन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।